गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और ये वरदान का चैनल है, लेकिन वरदान हमारे साथ ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है, तो अभी दो तीन दिन जो भी ब्लॉगिंग होगी वो मैं ही करूंगा। तो अभी हम चार लोग निकले हैं, ये रोहित भाई, धन सिंह भाई और सुनील भाई, और साथ में मैं भी हूँ। चार लोग हम लोग निकले हैं उत्तराखंड की तरफ। सुबह 5 बजे हम लोग निकले थे और इस समय हो रहा है 7:32 और अभी हमने हापुड़ क्रॉस किया है। तो हमारा प्लान है जिम कॉर्बेट पार्क जाने का, और रात में हम लोग जो है मचान पर स्टे करेंगे, कैंपिंग करेंगे। तो जो आगे जो ब्लॉग आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप देखने वाले हो। आगे हम पहुंचने वाले माँ मादा ढाबा है ना। हाँ जी, माँ मादा ढाबा, जो कि हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट विद आलू पराठा। हाँ, क्योंकि सुबह 5 बजे निकले थे और कुछ हमने खाया भी नहीं। सुबह सुबह वैसे भूख भी नहीं लगती ना, तो हमने सोचा कि कहीं बीच में एक स्टॉप भी हो जाएगा और साथ साथ ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो शिवा ढाबा भी लेंगे एक स्टॉप, और सुबह सुबह जैसे कि रोहित भाई को पसंद है आलू के पराठे। हाँ जी बिल्कुल जी, सुबह सुबह आलू का पराठा। हम नॉर्थ इंडियन है, उत्तर भारत के लोग हैं, तो ये हर कोई पसंद करता है। सुबह आलू का पराठा मिल जाए और गरम चाय, आहा क्या बात है। उसमें थोड़ा मक्खन डाल दीजिए, सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी एक स्टॉप लेंगे और मामा का ढाबा हम ढूंढ रहे हैं। वैसे तो बोर्ड बहुत लगे हुए हैं जगह जगह पर, आप देख सकते हो शिवा ढाबा, शिवा ढाबा। तो मेरे ख्याल से इस रूट का सबसे फेमस जो ढाबा है वो मामा दा ढाबा, मामा यादव शिवा ढाबा, ये फेमस है। और वैसे जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो हम लोग जो है इसी ढाबे पर लेते हैं स्टॉप। क्या है कि जो शिवा ढाबा है ये काफी फेमस ब्रांड हो गया आजकल। आप देखेंगे इस रूट पे जब आप जाते हैं, खासतौर से उत्तर भारत के इस हाईवे पे, यूपी में मुरादाबाद रूट पे, तो आप देखेंगे कि मामा का ढाबा बहुत सारे हैं, और उत्तराखंड में भी खुल गया, लेकिन जो मामा का ढाबा है वो ज्यादा फेमस है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, कितने सारे मामा के ढाबे हैं समझ में नहीं आता कौन है। नहीं, मामा ढाबा ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल तो मामा ढाबा है, शिवा ढाबा के नाम से काफी। अच्छा अच्छा अच्छा, शिवा ढाबा काफी कॉमन है, लेकिन मामा ढाबा वो मेन है, वो मेन है। लो जी पहुंच गए, देख सकते हैं शिवा ढाबा मामा यादव। चले जी। हाँ चलो जी, चलो जी, क्या बात है। चलो जी और क्या, आओ। पराठे का नंबर आ गया। हाँ गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हैं। पहले शॉट मारो, पहले छाना। चलो पहले क्या टैंकी खाली कर लें। पहले रिपीट मारेंगे फिर डाउनलोड करेंगे। बाद हमारा सबसे मेन होता है हींग पेड़ा। वो उसके बगैर तो जी सफर कामयाबी नहीं है। हींग पेड़ा, हींग पेड़ा तो जी खाया खाया पिया पचाया। भाई देखो बहुत अच्छा बना रखा है शिवा ढाबा, कभी आओ तो आप भी स्टे कर सकते हो। बताओ जी क्या लोगे? कुछ स्पेशल है वही आलू का पराठा? अपनी भी तो बना लूं भाई, मेरी भी तो आनी चाहिए ना। मैं ही वीडियो क्रिएटर हूँ, मेरा ही नहीं आ रहा। चार आलू प्याज। ये भाई है जो हमारा ऑर्डर लेने के लिए आए हैं। चार आप तो लोगे नहीं चाय? ना चाय नहीं। आप लोग लेंगे? बिल्कुल लोगे चाय तो लेंगे जी। कुल्हड़ चाय और चार आलू प्याज, चार पराठे, तीन चाय। हाँ जी, दही वगैरह कुछ? दही लोगे जी? नहीं, चाय के साथ दही का कॉम्बिनेशन बनता तो नहीं भाई। छोले देंगे? छोले बोले कैसे? छोले वो कौन से बनाते हैं? क्या होता है, ग्रेवी वाला होता है या वैसे? नहीं वो होता ना वैसा, थोड़ा ठीक होता तो फिर ग्रेवी वाला छोड़ो ना। चलो जी ले रहे बटर तो। हाँ आलू बटर तो बस ठीक है। भाई आगे अपने पराठे विद बटर। भाई ये तो बटर भी गिर रहा है। और देखो भाई कुल्लड़ की दही, कुल्लड़ वाली दही, ये सही है देसी स्टाइल। बिल्कुल। चलो जी अब खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे, और आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवेंचर्स दिखाएंगे। पहुंचते हैं जिम कॉर्बेट पार्क। तो जी खा पी के ऑल सेट हो गए हैं और अभी आगे निकलने का प्रोग्राम है, लेकिन एक जगह रुकना था हमें। मुरादाबाद तो रुकेंगे अभी? नहीं, अब मुरादाबाद तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब ऐसा सीधा हम अपने हमारी डेस्टिनेशन है जिम कॉर्बेट, हम वहीं पर ही पहुंचेंगे। लेकिन खा पी लिया तो एक चीज, आप जब भी सफर करें तो सफर ना करें, लेकिन सफर मतलब समझे, मतलब दुख ना उठाए, एक चीज ले, ये है हींग पेड़ा। खाने की पचाने को पचाने के लिए, खाने को पचाने की शक्ति का रामबाण का काम करेगा ये जरूर। तो जी प्लान चेंज हो गया अभी,
और अपन को जाना था मुरादाबाद, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। अब हम सीधा जाएंगे जिम कॉर्बेट पार्क। धन सिंह भाई कर दिया प्रोग्राम शुरू, ये ओपनिंग हो गया। लो जी खा लेते हैं भाई, बस गाड़ी का ध्यान रखना। लो जी खा लिए हमने हिंग पेड़े, आपको दिखा देते हैं। लो भाई एक ही चलेगा, ये है जी हिंग पेड़ा। भाई तो तुम सारे खा रहे हो, क्या करके मानोगे? बिल्कुल बम पटा के फूटने हैं अभी। ट्रेन को पीछे छोड़ दिया भाई, ये देखो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया पीछे हमने ट्रेन को। देखा हमारी गाड़ी ट्रेन से ही फास्ट है। ना ना चढ़ाने का भाई, गाड़ी ज्यादा वैसे ही 140 चल रही है। ये देखो नैनीताल 206। तो भाई आज की जो रात है ना, वो डरावनी भी कह सकते हो और मजेदार भी होगी, क्योंकि हम जिम कॉर्बेट पार्क में आज, हाँ घर के पास में ना, इन्होंने अपने खेतों में मचान बनाई हुई है। रात को कितने फुट ऊंची मचान है? मचान तो 8-10 फुट। तो 10 फुट ऊंची मचान है, उस मचान पे हम लोग आज स्टे करने वाले हैं। और प्लस कितने? 300 प्लस। भाई जिम कॉर्बेट पार्क में 300 प्लस टाइगर्स बता रहे हैं। और फिल्म की शूटिंग भी हाँ, काल फिल्म की शूटिंग हुई। यहाँ लोग वैसे जाते रहते हैं, हमारी जो ऑडियंस है ये भी गई होगी, इनमें से बहुत सारे लोग वहाँ घूम के होंगे। लेकिन ऐसा एडवेंचर आपने नहीं किया होगा भाई, मचान पे रात बिताने का। आज वहीं खाना पकाएंगे, अपने हाथों से खाना बनाएंगे और वहीं रात को स्टे करेंगे भाई। वो आज बने रहो हमारे साथ, हम आपको आज अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कराएंगे। तो जी आगे हैं रामनगर में, ये मार्केट है रामनगर की। यहाँ से एक्चुअली हमें रात के लिए कुछ सामान खरीदने हैं, रात को हमने खाना खुद ही बनाना है। तो फाइनली हमने 3-4 मैगी के पैकेट ले लिए, बिस्किट्स, नमकीन और ये सूप। ठंड का टाइम, रात को सूप बड़ा काम देगा, 2 बजे भी उठ के सूप पी सकता है आदमी। तो चलो जल्दी फटाफट लाइट का इंतजाम कर लो, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक तो वहीं मिल जाएगी। देखो भाई के पास है बहुत सारा सामान, मैगी बता दो क्या क्या है, लड्डू और स्टोव, उसका गैस चूल्हा, हाँ और अपने पास सारे सामान है। और भाई मेरे पास है संतरे के लिए, तो आप मैं मचान में बांधने के लिए पॉलिथीन, तो देखो हमारे पास सारा जुगाड़ है। जब लोग इन सब चीजों से परेशान हो जाए तो मेरे पास है जहर, तो जहर वाले, ये जहर वाले, ये त्रिपाल वाले, अंगूर वाले और वो संतरे, मीठे संतरे, हरे ताजे अंगूर। और ये सामने हमारे भाई है, ये जा रहे हैं, ये है मैगी वाले, मैगी वाले। फाइनली रामनगर से निकल चुके हैं, आप देख सकते हो रामनगर में भी जाम भी है। यहाँ से हम सीधा अपनी साइड पे जाएंगे। धनु भाई बिल्कुल अपनी साइड पे जाएंगे, साइड पे चलेंगे वहाँ, क्योंकि लाइट का अरेंजमेंट भी करना है ना। बिल्कुल क्योंकि मेन क्या है ना, वहाँ सेटिंग जरूरी है। हाँ नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी रात के लिए। चार्जर लाया हो, फोन चार्ज करने वाला? हाँ मैं लाया हूँ फोन का चार्जर वाला ना आपके पास? हाँ सी टाइप की केबल है। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं जिम कॉर्बेट पार्क में, ये देखो। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये जिम कॉर्बेट पार्क है और यहाँ पर लिखा हुआ है गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि यहाँ पर जानवर आते हैं। हर जगह पे आप देखोगे बोर्ड लगा हुआ है, सामने भी एक बोर्ड लगा हुआ है, अभी आप देखोगे ये रहे, ये बोर्ड लगा हुआ है कि वन्य प्राणी, ये देखो यहाँ देखो, तो हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पर 300 से प्लस टाइगर्स हैं। तो जी हम यहाँ पे रुके हैं एक ढाबे पर खाना खाने के लिए, जो कि धनु भाई के घर के बिल्कुल पास में है। कौन सा गांव है जी? ये हमारा ग्राम सभा डबरा सोराल। हाँ तो इस जगह पे आए हुए हैं हम लोग और भाई, इस जगह का नाम बोलते हैं घुगती धार। गुगती जो पक्षी होता है, हाँ, वो चिल्लाता है, वो चिल्लाता है। तो भाई ये खाना था, चटनी सब्जी थाली में, हमने थाली मंगाई थी, दाल है, सलाद है, और सच बताऊं तो बिल्कुल एकदम घर जैसा खाना। और दूसरी बात गरम गरम रोटियां देखो वहाँ से बना रही है, वहाँ पे गरम गरम वहाँ से बना रहे हैं। सच में चटनी तो एक नंबर बनी हुई है, क्या कहते हो? नहीं सामान सब सारा ही बढ़िया है, सब्जी भी बढ़िया है, बिल्कुल चटनी ने तो जी, चटनी अच्छी है, सब्जी अच्छी है, रोटी अच्छी है। और जी सबसे बड़ा सबसे बड़ा जी इनका प्यार, जिस प्यार आदर भाव से खिला रहे, दिल कर रहा है जी प्लेट ही घर ले जाओ। थोड़ा हमें पानी चाहिए था, तो एक नेचुरल सोर्स है पानी का, देखो ये पहाड़ों से पानी आ रहा है ऊपर से। भाई यहाँ से भरो साफ पानी,
ये रहे यहाँ, इस जगह लगाऊं। हाँ तो ये हम पानी भरे क्योंकि रात का इंतजाम मैंने बताया ना, सारा खेल रात का है, जो कुछ होना रात को होना रात को, तो उसके लिए सारा इंतजाम हमें करना पड़ेगा। हाँ भर लो, यहाँ भरो, यहाँ बहुत साफ है। भाई वाह, बस इसके बाद सीधा हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और मचान में जो भी कमियां हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मचान देखी नहीं है, संभाली नहीं है किसी ने, तो वहां पर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तो जी अभी हम चल दिए हैं जंगल की ओर, और क्योंकि इसी जंगल में हमने आज रात बितानी है, तो हम देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये नदी का रास्ता है, मतलब पहाड़ों से जो पानी आता है ना, वो पानी अपना रास्ता बना लेता है और ये बन जाता है नाला। ये देखो गाड़ी भी ऑफ रोडिंग में जा रही है भाई। हाँ पानी साथ साथ चल रहा है ना, साथ साथ पानी चल रहा है भाई। ये देखो पानी है साथ साथ, ये ऑफ रोडिंग के मजे हैं, क्या कहते हो? बहुत सही कहा जी आपने। पूरी गाड़ी है, मेरे तो मोबाइल भी गिर गया, गिर जाने तो देखेंगे बाद में। गाड़ी में है मोबाइल भी। ऑफ रोडिंग है, और देखिए इस जगह के लिए तो थार या फिर बलेरो या फिर 4x4 कार ही आप चला सकते हैं, लेकिन छोटी मारुति कार तो आप यहाँ बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं है। भाई जी कैसे जाते हो आप, जब बरसात का मौसम होता है कैसे जाते हो आप? मौसम में जी देखो हमारा स्टेशन है एक, वहाँ जो हमने अभी परचून की दुकान में लिया था सामान एक, वो इससे आगे यहाँ से फिर हम पैदल जाते हैं घर के लिए। अच्छा ना, ना वहाँ से नीचे को रास्ता है, यहाँ से उधर को रास्ता है, तो फिर बरसात में तो पानी का बंद हो जाता होगा। ये बरसात में बंद हो जाता है, आगे पीछे रास्ता चालू है, और आगे आप देखोगे नदी है, कोसी नदी, कई बार इनमें टाइगर भी रहते हैं, बड़ी बड़ी ये इसी घासों में छुपते हैं। हाँ ये जो घास है ना इन्हीं में छुपा होगा टाइगर, देखो ऐसी घास में ना, ऐसी घास में रहते हैं टाइगर छुप के, ऐसी घासों में, ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी घास होती है और टाइगर इसी में छुपा रहता है, पता ही नहीं चलता। फाइनली पहुंच गए हैं, हमें इस गांव में आना था और इस गांव में आ चुके हैं। ये हमारे धन सिंह भाई हैं, दिखाओ जी धन सिंह भाई। धन सिंह भाई का गांव है, बिल्कुल एकदम पहाड़ियों के नीचे गांव है इनका, और इस गाँव में ज़्यादा घर भी नहीं है, मुश्किल से 8-10 घर हैं बस। बाकी अभी हम चलेंगे मचान की तरफ, जंगल में जहाँ हमने रात बितानी है। यहाँ के नए किसान ये नए किसान है यहाँ के, देखो काम करने के लिए खेतों में चल दिए भाई। भाई ऐसा करो इतना बड़ा वजन मुझे मत दो भाई, मुझे दे दिया उन्होंने, देखो इतना बड़ा वजन, ये पूरा टेंट मेरे तो बस की है नहीं उठाना। लो जी लो, मैं लूंगा फावड़ा, फावड़ा हाँ चलाऊंगा नहीं, गेती ले लो, गेती ले लो, ये ले लो फावड़ा, ये सही है, फावड़ा ले लूँ हाँ, लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं दिखावे के लिए, ये वीडियो में कम से कम होता है, आदमी काम करने जा रहा है। फावड़ा ले लिया मैंने, लेके तो ऐसे चल रहा हूँ जैसे सच में मैं काम करूँगा, लेकिन करूँगा मैं कुछ नहीं। ए नए नए किसान हमारे, देखो भाई काम भी करना है, नहीं मजदूरी नहीं मिलेगी आज, मजदूरी नहीं मिलनी है, आधा दिन तो वैसे ही निकालते तुम लोगों ने अपने, ये गाय भैंस इसके अंदर, इसके अंदर घुसा देते हैं गाय भैंस, बंद कर देते हैं। चलो जी चलो, तो भाई अपना टेंट का जुगाड़ हो गया पूरा, ये बहुत बड़ा टेंट है, इसमें 6 लोग आराम से सो सकते हैं हम लोग ना, हम तो 4 ही हैं, 2 कहाँ से जाएंगे। 6 लोगों के लिए है ये बेस्ट टेंट है, बहुत बड़ा टेंट हमने लगा दिया है, और ये हम ऊपर हैं मचान पे, टेंट बन रहा है, ये हम मचान के ऊपर हैं, आप देख सकते हो ये ज़मीन से कम भी 8-10 फुट ऊँचा है जिसपे हम रुके हुए हैं। सामने नदी है, ये सामने नदी है, ये सामने पहाड़ है, और भाई आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ आज रात हम यहाँ इसी मचान पर बिताने वाले हैं, बहुत अच्छा नज़ारा, और ये एक्सपीरियंस हम आपको कल के ब्लॉग में देंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के ब्लॉग को हम एंड करते हैं। कोई ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपको और नए नए एडवेंचर आपको देखने को मिलते रहेंगे।